देवास पुलिस ने देर रात करीब गश्त की, जहां पुलिस लाइन में सभी थानों का बल एकत्रित हुआ, जहां पर एडिशनल एसपी जयवीर सिंह भदौरिया ने पुलिस कर्मियों को कार्रवाई के पूर्व निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अपराधियों की धरपकड़ पर शहर के संवेदनशील क्षेत्रों, जब आप यहां से निकले तो आम पब्लिक में विश्वास होना चाहिए कि होने वाला चुनाव फेयर एंड फ्री होगा, उनमें राहत की सांस रहे और अपराधियों में डर रहे। वहीं पुलिस कर्मियों द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थायी और फरार की धरपकड़ की गई। इस दौरान सीएसपी देवशेष अग्रवाल और पुलिस जवानों ने कोतवाली से पैदल मार्च भी निकाला। पुलिस की कविंग गश्त देर रात तक चलती रही। आगामी विधानसभा चुनाव 2023 को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में आज कौम में गश्त रखी गई है, जिसमें लगभग शहर के थाने और देहात के दो थानों का लगभग 150 पुलिसकर्मियों का इसमें अधिकारी कर्मचारियों का बल है, जो अपने अपने क्षेत्र में मुख्यतः पेट्रोलिंग करेंगे संवेदनशील क्षेत्रों में। साथ ही साथ अधिक से अधिक वारंट, स्थायी वारंट, फरारी, गिरफ्तारी और गुंडों की चेकिंग, नकबजनों की चेकिंग और अन्य जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कार्रवाइयाँ करेंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।